हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम इस्लामिक स्टडी को डिस्कस करेंगे, जिसमें डिफरेंट लेसन्स को डिस्कस करेंगे। आज लेसन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ फेथ, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ, द फ्रूट्स ऑफ फेथ, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ, ये सब तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है फेथ की, इसको डिस्कस करते हैं। बिलीफ इन द स्पेशल टर्मिनोलॉजी ऑफ इस्लाम मीन्स टू बिलीव इन द प्रॉफिट ऑफ गॉड एज सच दैट इज टू एक्नॉलेज दैट फॉर आवर गाइडेंस गॉड हैज वॉचेस टू देम दैट आर बियॉन्ड द रेंज ऑफ इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब अकीदे के मुताबिक हम जो बिलीव करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे खैर का हैं, हमारी हमें उन्हीं से रहनुमाई मिलती है और वो ही हमारे लीडर हैं। बेसिक प्रिंसिपल जो फेथ है, ईमान का जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि फेथ इन अल्लाह, कि अल्लाह पे अकीदा रखना, यकीन रखना, फेथ ईमान लाना, कुल हुवल्लाहु अहद मतलब जिसमें कि अरबी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अल्लाह पे ही बिलीव करते हैं, अल्लाह को ही एक मानते हैं और उसी की पैरवी करते हैं। तो फेथ इन अल्लाह इज बेस्ड ऑन फोर प्रिमिसेस। अल्लाह पे जो ईमान है इन तमाम चीज़ों पे होता है, इसमें ये तमाम चीज़ें, तमाम बातों को जहन में रखना पड़ता है। अल्लाह एग्जिस्ट है, नो बॉडी क्रिएटेड हिम, अल्लाह मौजूद है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। ही अलोन इज द लॉर्ड ऑफ होल यूनिवर्स, वो पूरी कायनात का अकेला ही मालिक है। ही अलोन इज द मास्टर, इज अलोन ऑथराइज्ड टू मेक एनी मॉडिफिकेशन इन द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू हिज विल, उसने अपनी मर्जी से ही तमाम दुनिया को बनाया और खुद ही उसमें चेंजिंग कर सकता है। ही अलाउन इज टू बी एक्सक्लूसिवली वर्शिप्ड एंड ही इज नो एसोसिएट, उसी की इबादत की जाती है, उसके बगैर बात किसी की बात नहीं की जाती। एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह मौजूद है। द कुरान हैज क्लियरली टोल्ड अस दैट प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह विद आवर सेल्फ, मतलब कुरान के प्रूफ के मुताबिक कुरान भी बताता है कि अल्लाह वाहदहु ला शरीक है और उसकी मौजूदगी हर जगह है। हाउ कैन वी देन डिनाय समथिंग व्हिच इज रिटन लार्ज एंड वेरी फॉर हैडेड द प्रूफ ऑफ फर्स्टी से अल्लाह उफी अनफसिकुम अफला अफला तबसरून, मतलब अल्लाह की मौजूदगी है इस दुनिया में। हु हैव्स योर फेथ एंड विद इन योर ओन सेल्फ सो डू यू नॉट सी In the every depth of ours, it says that Allah exists. When stuck with hardships, must we seek His shelter because of our faithful nature and existence. मतलब हम दिल से इस चीज को मानते हैं कि अल्लाह ताला की जात बरकत पाक जात मौजूद है और जब हम मुश्किल में होते हैं उसी से मदद मांगते हैं, उसी की तरफ रुजू करते हैं। देर आर within us and all around us numerous proof of his existence, जिसका वजूद हर जगह हमारे दरमियान है और हर जगह उसी की बात चाहिए। आवर सब कॉन्शियस दैट इज आवर हर्ट अनकॉन्शियसली इन हिम, बट आवर कॉन्शियस सेल्फ दैट आवर इज एन एक्सेप्टिव एक्सिस्टेंस, मतलब जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो उस चीज को एक्सेप्ट करती है कि अल्लाह ताला की जात हर जगह मौजूद है। ही अलाउन इज द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, के वो अकेला ही इस यूनिवर्स का मालिक है। द सेकंड डॉगमा ऑफ द फेथ इज दैट अल्लाह इज द सस्टेनर ऑफ द होल यूनिवर्स, अल्लाह ताला इस यूनिवर्स पूरी यूनिवर्स का मालिक है। इट मीन दैट वी हैव टू बिलीव फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट दैट अल्लाह अलोन इज द क्रिएटर, आपको दिल से इस बात पे यकीन रखना चाहिए और होना चाहिए कि अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया। ही अलोन क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, उसने पूरी दुनिया को खुद से बनाया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म द हेवनली बॉडीज एंड इंटेलिजिबल एज वेल इंटेलिजिबल बॉडी, उसने जो जीन हैवान और
जिंदा और बेजान चीजों को तकलीफ करने वाला वही ही डिवाइस सच मैरवलस कैनन फॉर ऑल दिस वर्ल्ड दैट स्कॉलर द मेडिसिन केमिस्ट्री फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी हैव बीन एबल टू डिस्कवर ओनली फ्यू ऑफ देम. मतलब वो उसने जितने भी फूल्स दिए हैं उनमें से कुछ साइंसदान उसके बारे में थोड़ा बहुत जान सके हैं, तमाम के बारे में वो नहीं जान सकते. ही अलोन हैज द फुल नॉलेज अबाउट एवरी बिग और स्मॉल थिंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स. उसके पास तमाम दुनिया का नॉलेज है, हर चीज का नॉलेज है. इट इज रिटन विद हिम दैट हाउ मैनी लीव्स अ ट्री हैज व्हाट शेप डज अ लीफ कैरी. तो वो बेहतर जानता है और उसको पता है कि एक पत्ता है तो उसकी कितनी शेप्स हैं और उसमें कितने पत्ते हैं और उसमें लाइंस कितनी. हाउ मैनी जर्म्स फ्लोट इन दिस वर्ल्ड एंड व्हाट इज द साइज एंड वॉल्यूम एंड व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स. तो उसको हर चीज का पता है, मतलब पूरी कलाक कहना था खुद मालिक है. ही ओनली नोज हाउ मैनी रोटेटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एटम्स हैज व्हाट ट्रांजिटरी चेंजेस अकर देम व्हाट द नेचर ऑफ द स्टैटिक एंड डायनेमिक व्हाट फॉर्म दे टेक एंड व्हाट ये ट्रांसफर में. मतलब हर तरफ उसी की बात चाहिए, वो तमाम चीजों पे कादर है और उसको हर चीज का पता है. He alone is the master and is alone authorized to make any modification in the universe according to his will. मतलब वो अकेला ही खुद मुख्तियार है और उसके पास अथॉरिटी है वो इस यूनिवर्स इस दुनिया को इस कायनात को चेंज कर सकता है. He is the sustainer of the world. ये दुनिया का मालिक है. He give form to everything and looks after them. उसने तमाम चीजों को शेप दी. He make alteration and change in their condition and characters. उसने तमाम चीजों को चेंज किया according to character wise. He has predetermined every detail as a place such approved in each atom of the universe and this and that every person with sufficient reason can trace him and seek guidance from him. मतलब उस वो तमाम चीजों को पहले से जानता है और उसने काफी दलीलें भी दी हैं, रीजंस भी बताता है, लेकिन इंसान इन चीजों को नहीं जान सकता. दिस द सेकंड डॉगमा फेथ एंड इज ऑब्लिगेटरी टू एक्ट इन एन बिलीव. सेकंड चीज है जिस जो ऑब्लिगेटरी है, लाजम है और इसको इस पर यकीन करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए. वेयर डज वन बिकम बिलीवर बाय जस्ट दिस एन आर्टिकल ऑफ फेथ. फेथ अकीदे में आता है, ईमान में आता है. समवन डिक्लेयर वी फॉर यू दैट अल्लाह अलोन इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड इज अलोन द सस्टेनर ऑफ द एवरीथिंग. कोई भी मतलब कहे इस चीज के बारे में कि अल्लाह एक है और तमाम जहानों का मालिक है और उसी की क्रिएशन है तो बात बिल्कुल ठीक है. वुड यू एक्सेप्ट हिम एज बिलीवर जस्ट बिकॉज ऑफ अ डिक्लेरेशन. हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और बिलीव करते हैं. मे दिस डिक्लेरेशन ओन इज इनफ टू बी बिलीवर बिकॉज मैनी नेशन ऑफ द डिवाइनिटी मे दिस डिक्लेरेशन. ही इज अलोन बट इज टू बी एक्सक्लूसिवली वर्शिप्ड एंड ही हैज नो एसोसिएशन. उस जैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसकी ही इबादत की जाती है. When you admit that Allah exists, is the sustainer of the world, is the lord of incomparable kingdom, then it follows upon necessity that there should be no associate with him in worship, nor should anyone beside him be worshipped in any form or shape to be constructed as a his adversary. मतलब उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, उसको एसोसिएट नहीं किया जा सकता, किसी के साथ नहीं मनाया जाता. बट ग्रेस अल्लाह या द गुड फॉर्चून टू राइज द पॉइंट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ सूरह अन्नास विच नो अदर एक्सिस्टेंस कैरीज फॉर द गॉड ऑफ दोस हु एडमिट दैट अल्लाह एग्जिस्ट इन द मास्टर फॉल एंड इज द लॉर्ड ऑफ होल वर्ल्ड येट डू नॉट डिस्प्ले दैट unadulterated belief in the unity of Allah which indeed is the requirement of. इसमें ये बताना चाह रहा है कि अल्लाह की मौजूदगी हर जगह है और अल्लाह के बगैर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है और उसी की इबादत करते हैं. और कुरान में पूरे प्रूफ इसके बारे में और मतलब दुनिया में वो तमाम चीजों को जानने वाला है और उसको तमाम चीजों का पता है, वो हमारी सोच से भी बखूबी वाकिफ है.
Though say I can under the shelter of the Lord of man, the King of man, the God of man. Faith in the prophet, नबियों पे ईमान लाना ये भी अकीदा है, फेथ है, ईमान है. डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट टू आर ह्यूमन बींग्स, प्रॉफिट इंसानों की तरह, दे आर नॉट इंडोर्ड विद डिविनिटी बिकॉज डिविनिटी मैनर्स ऑफ अल्लाह द फियरलेस. द प्रॉफिट हैवर हैव वन डिस्टिंक्टिव फीचर दैट द मिशन डिसेंड्स अपॉन देम द ऑलमाइटी. एंड वी स्टैंड नॉट बिफोर द मैसेंजर बट दे आर फूड एंड वॉटर इन द मार्केट्स. फेथ इन द प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. सेकेंड पहले कीदा ये है कि हम अल्लाह पे मान लाएं, फिर उसके बाद दूसरा फेथ ये है कि हम सुल्लू पे मान लाएं. किस वजह से अल्लाह आल प्रॉफिट आर ह्यूमन बींग्स, फेथ इन द मेरिकल्स ऑफ प्रॉफिट्स, ये तमाम चीज़ों की वजह से हम सुल्लू पे मान लाते हैं. इस्लाम डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्रॉफिट. इस्लाम जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, तो फर्क नहीं डालता प्रॉफिट्स में. देर आर पीपल मंग द फॉलोअर अदर प्रॉफिट हु टॉक डिस्परिंगली अबाउट प्रॉफिट अदर देन द वंस दैट फॉलो. मतलब इसमें भी ये बताना चीज बताना चाह रहा है कि हमें अल्लाह के मान के बाद उसके प्रॉफिट्स पर भी मान लाना चाहिए. वजह क्या है? ऑल प्रॉफिट्स आर ह्यूमन बींग. जो तमाम प्रॉफिट्स हैं वो ह्यूमन बींग हैं, इंसान हैं, इसलिए उन पर ईमान लाना जरूरी है. ऑल प्रॉफिट ह्यूमन बींग, दे आर बोर्न लाइक अदर ह्यूमन बींग एंड डाई लाइक देम. दे फॉल इल लाइक अदर ह्यूमन बींग एंड रिकवर ऑल्सो लाइक देम. मतलब वो इंसानों की तरह हैं, जिस तरह इंसान बीमार होते हैं वो भी ऐसे बीमार होते हैं. इंसान जिस तरह जिंदा होते हैं मर जाते हैं, सेम लाइक प्रॉफिट्स भी ऐसे ही हैं. दे आर नॉट एनी विच डिफरेंट बिटवीन फ्रॉम अदर ह्यूमन बींग एज फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ दर बॉडी, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शन ऑफ दैट इज कंसर्न. दे ईट एंड ड्रिंक लाइक अदर ह्यूमन बींग. मतलब उनका खाने का तरीका, रहने रहन सहन और उनकी तमाम चीजें लाइक ह्यूमन बींग हैं, तो इसलिए उन पर मान लाना चाहिए. फेथ इन द मिरेकल ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट जो है उन पर बहुत ज्यादा मौजज़े हुए, इसलिए उन पर ईमान लाना जरूरी है. व्हेन द इंसिडेंट्स ऑफ असेंशंस टुक प्लेस एंड प्रॉफिट वाज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मक्का टू कायब एंड सा रिटर्न द सेम नाइट, द क्राइस्ट डिड नॉट बिलीव इट. इट वाज इम्पॉसिबल बिकॉज इनकन्विंसिबल. मतलब बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिनकी वजह से दे सेड है हैज गॉड सेंट फॉर द मॉर्टल एज अ मैसेंजर. मतलब ये हमारे लिए पैगाम रसानी के लिए अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते भेजे, जो नबी भेजे, उनको बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने मौजज़े भी दिए और उनने मौजज़े इस दुनिया में दिखाए भी, उनको पावर भी दी. इसलिए हमें अल्लाह के बाद उनके रसूलों पर ईमान लाना चाहिए. द लाइफ इन द हेयर आफ्टर, डे ऑफ जजमेंट, और डे ऑफ जजमेंट पर भी ईमान लाना चाहिए. थर्ड जो अकीदा है, फेथ है, ईमान है, वो पहला था अल्लाह पे ईमान लाना, दूसरा रसूलों पे ईमान लाना, उसके बाद क़यामत के दिन पे ईमान लाना. द लाइफ इन द हेयर आफ्टर इज ट्रू लाइफ, द शॉर्ट लाइफ इज अनएबल टू सी एंड इट द फीबल माइंडेड डोंट बिलीव व्हाट दे आर टोल्ड अबाउट इट. मतलब ये तो सी चीज ये है कि जो हम जिंदगी गुजार जाते हैं उसके बाद जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो एक दूसरी दुनिया भी है, एक जजमेंट का दिन है, क़यामत का दिन भी होगा, उस चीज पे भी हमारा ईमान होना चाहिए. तो इन तमाम फ्रूट्स ऑफ फेथ मेंटेड विद द प्रॉफिट. मतलब इस तक को फेथ में तीन चीजों को डिस्कस किया गया है. एक तो अल्लाह पे ईमान लाना, दूसरा उसके रसूलों पे ईमान लाना, उसके बाद थर्ड जो चीज है क़यामत के दिन पे ईमान लाना बहुत जरूरी है. और इस लेसन नंबर वन में यही चीजें बताई हैं हमारे हमारी प्यारी किताब पाक किताब की नस्बत. और जो अल्लाह ताला ने अपने मैसेंजर्स प्रॉफिट्स भेजे उन पर भी ईमान लाना चाहिए और ये जरूरी है. और अल्लाह ही पूरी कनात का मालिक है, उसके बगैर
हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो तमाम राज जानता है और उसने ही ये दुनिया तख्लीक की, और वो अपनी मर्जी से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, चेंजिंग कर सकता है, वो उसके इख्तियार में सब कुछ है। तो इंसान वो कुछ नहीं कर सकता जो अल्लाह ताला कर सकता है, लेकिन इंसान की थिंकिंग डिफरेंट होती है, अल्लाह ताला उसके तमाम जो इरादे हैं, नीयतें हैं, उनको जानता है। तो लेसन नंबर 1 में फेथ था कि अल्लाह पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, उसके बाद डे ऑफ जजमेंट जो आखिरत का दिन होगा या क़यामत का दिन होगा, उस पर भी ईमान लाना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है।